अस्सलाम वालेकुम। वेट लॉस करना है तो जिम नहीं जा सकते, घर में करना है तो एक एक्सरसाइज ऐसी है जो वेट लॉस करने के लिए सबसे ज़्यादा की जाती है। आप घर में कहीं भी कर सकते हैं, सामान की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपनी बॉडी से आपने करना है और करने आपने 100 हैं। और आज की एक्सरसाइज में हमने 100 बर्पीज करवाने हैं आपको। 100 बर्पीज डिफरेंट तरीके से करवाएंगे। सबसे ज़्यादा वेट लॉस बर्पीज करते हैं, सबसे ज़्यादा फैट लॉस बर्पीज करते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी बर्न आपकी बर्पीज में होती है और सबसे ज़्यादा दुनिया में जितने भी ट्रेनर हैं वेट लॉस करवाने के लिए बर्पीज करवाते हैं। तो आज मैं आपको बर्पीज करवाने लगा हूँ। आपने 100 करने हैं, किस तरह करने हैं, कैसे कैसे चेंज करने हैं, तो हमने दिनों में क्योंकि वेट लॉस करना है आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इसको शेयर कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने वार्म अप कर लेना है, सबसे पहले आपने वार्म अप कर लेना है। 3-4 मिनट स्लो स्लो इजी वॉक करनी है, अपने हाथों को चलाना है, अपने बाजुओं को चलाना है ताकि आपकी बॉडी ज़रा अच्छे तरीके से वार्म हो जाए और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, चलें जी करते हैं स्टार्ट बर्पीज। सबसे पहले मैं आपको ईजी बर्पी करवाने वाला हूँ। आप लोग कितना भी आपका वेट है आप आराम से कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपने लेग्स को ज़रा वाइड कर लेना है और इसी तरह घुटने ज़मीन पर नहीं लगाने, इसी तरह हाथ ज़मीन पर रखने हैं। ठीक है, और हाथों के बल आगे चलते जाना है, हाथों के बल आगे चलते जाना है, यहाँ तक आपने स्टेबल होना है। स्टेबल होकर आपने हल्का सा कर्व देना है कमर में और फिर वापस हाथों के बल चलते हुए वापस आ जाना है। ये एक है, ऐसे आपने 20 करने हैं। जब आप ऐसे 20 करेंगे ना तो मज़े आ जाएंगे। हाथ नीचे, यहाँ से आपने चलते जाना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपने ये, फिर वापस, ये 2 है, फिर आए ज़रा यहाँ आएंगे, फिर वापस चले जाएंगे, ये 3 है, यस, ये 4 है। एक और आपको करके दिखाता हूँ, गौर से देखें ज़रा। आप नीचे आएंगे, हाथ नीचे देखेंगे, हाथों के बल चल के आप सीधा आगे एंड तक जाएंगे, फिर आप अपने कमर को स्ट्रेच करेंगे, फिर वापस। और ये है 5 रैप्स मैंने करके बता दिए, आपने 20 करने हैं। बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ होती है, इससे बहुत ज़्यादा पसीना आता है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपने 20 करना है। 20 करने के बाद फिर आपने चेंज करना है, अब चेंज करना है, करने अब भी बर्पीज हैं लेकिन चेंज करने हैं। अब जब हमने नीचे आना है तो हमने क्या करना है, हाथ आगे लगाना है, लेग्स पीछे लेके जानी है जंप करके, और आपने लगाना है पुशअप। ठीक है, पुशअप लगा के लेग आगे और खुद आपने खड़े हो जाना है। ये एक है। ठीक है, इसको दोबारा फिर समझाता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। आपने हाथ नीचे लगाए, ठीक है, लेग्स इधर है, आपने जंप करना है, लेग्स पीछे चले जाएंगी, ठीक है, इधर आप पुशअप लगाएंगे, फिर आप जंप करेंगे, लेग्स आगे आ जाएंगी और आप खड़े हो जाएंगे। ये 2 है। इसके भी मैं आपको 5 करके दिखाता हूँ। हाथ नीचे, लेग्स पीछे, लेग्स आगे, और ये 3, हाथ नीचे, लेग्स पीछे, पुशअप, लेग्स आगे, ये 4 है। अगेन लेग्स नीचे, ये पीछे आगे, और यहाँ से आप खड़े हो जाएंगे। 2 मैंने करके दिखा दिए, हमारे 40 बर्पीज हो गए, 60 और करेंगे, ऐसे वेट लॉस होना है दिनों में, गारंटेड गारंटेड। तो नेक्स्ट आप करने वाले हैं, नेक्स्ट क्या करना है आपने, पहले तो आपने इजी हो जाना, ये 20 आपने पूरे करने हैं। पूरे करने के बाद नेक्स्ट आपने बर्पीज करने हैं। अब इसमें मज़े आने वाले हैं। आपने करने हैं स्क्वाट्स, साथ में स्क्वाट, ठीक है। आपने क्या करना है, हाथ नीचे, ठीक है, यहाँ पर हाथ रखे, जंप पीछे, जंप आगे, यहाँ से आपने ऐसे उठना है, एक बार फिर 2 बार उठ के बैठना है, मतलब एक तो बार उठेंगे, एक बार बैठ के फिर उठेंगे, स्क्वाट साथ करने हैं, ये भी आपने 20 करने हैं। 5 मैं करके दिखाता हूँ, आए जी, यस, नहीं पीछे आगे, उठेंगे बैठेंगे फिर उठेंगे फिर आएंगे, यस, 1 2 ये देखें 3, मुश्किल नहीं है, इसको गौर से देखें, गौर से देखें, आप लोग कर सकते हैं। हाथ नीचे, लेग्स पीछे,
लेग्स आगे, यहाँ से बैठकर हमने उठना है, फिर ये चार, बहुत आसान है, फिर देखें, ठीक है। इसको अगर आपने कर लिया ना तो आपको ना स्मार्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता, किसी सूरत में भी आप रुक ही नहीं सकते स्मार्ट होने से। मेरी हालत देख लें, इवन सर मैं 5-5 कर रहा हूँ, आपने 20-20 करने हैं। आपकी हालत ऐसी हो जानी आपसे पानी नहीं मांगा जाना, लेकिन बर्दाश्त करना है। अभी हमने 40 और लगाने हैं, ठीक है, 60 हमारे हो चुके हैं, तो वो कैसे करना है, आए जी इजी हो जाना है, लंबी सांस लेनी है, आपने आपको रिलैक्स करना है। तो नेक्स्ट हमने 40 लगाने हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने आगे जाना है, प्लैंक होल्ड करना है 5 सेकंड का, फिर वापस आना है। देखें जी, लेग वाइड, ठीक है, आप आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर आप आएंगे, एल्बो नीचे लगाएंगे, प्लैंक होल्ड करेंगे 5 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, और वापस चले जाएंगे। ये उससे भी मुश्किल है, इससे आपकी बैली भी फिनिश। एक, यस, नीचे एल्बो नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर वापस, 2, फिर नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 3, यस, 2 और। ये मैं आपको करके दिखाना है, मतलब आप चल के जाएंगे, एल्बो नीचे लगाएंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। और एक और मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है, 5 करके दिखाऊंगा। ये देखे, बहुत इजी, बहुत स्लो, ज़रा भी मुश्किल नहीं, ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको। 5 हो गए, 80 हो गए हमारे, 80, ठीक है। तो इसके बाद फिर आपने सांस लेना है, अपने आप को ईजी करना है, सुकून मॉल क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट 20 ब्लास्ट हो जाएगा। मुझे लगता है इधर भी आपकी बस बस हो चुकी है, मुझे पता है, लेकिन औखे सौखे हो गए ना, अगले 20 लाल हो गए ना, वेट चेक कर लेना, इसी दिन आपका 1 किलो कम हुआ होगा, गुड। बल्कि इसका टाइटल भी लगेगा कि हर दिन 1 kg वेट लॉस करें, हर दिन वेट लॉस करें, ठीक है। तो इस वर्कआउट से हर दिन आपका वेट लॉस होगा, यही टाइटल लगेगा, ठीक है जी। हाथ नीचे, ठीक है, लेग पीछे, फिर ऊपर आएंगे। जब ऊपर आएंगे ना, खड़े होके आप किक बैक लंजेस करेंगे, 1 और ये 2, ये 1 हो गया, ये ना करेगा, ठीक है, 1, 2, 1, 2, 3 हो गए, 2 और करके दिखाऊंगा। इसको ज़रा गौर से देख लें, स्लो मोशन में करूंगा ताकि आपका वर्कआउट ना ज़बरदस्त हो जाए। यहाँ हाथ पीछे आगे उठेंगे, किक बैक करके, ये जैसे मेरे से थोड़ा सा बैलेंस ख़राब हो रहा है ना, आपसे भी होगा, कोई बात नहीं, किसी चीज़ का सहारा ले लेना, पकड़ लेना किसी चीज़ को, करके पकड़ के, कोई मसला नहीं। ये आखिरी वाला करूँगा, ये उठेंगे और ये किक बैक और ये किक बैक ले जी। तो आज का जो मैंने वर्कआउट आपको करवाया ना, ये आप डेली करेंगे ना, हर दिन आपका वेट लॉस होगा, हर दिन आपको नज़र आएगा कि कंधे में वेट ना नीचे जा रहा है। तो लेकिन इस वर्कआउट ने आपकी मत मार देनी है, ये देखें मेरी मत बज गई है, ठीक है। तो इस वर्कआउट ने आपकी मत मार देनी है, तो खैर मत बजेगी तो वेट लॉस होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब किए रखना है, लाइक पे लाइक ठोके रखना है, शेयर पे शेयर करते जाना है, ताकि आपका भी वेट लॉस हो और उन बेचारियों का भी वेट लॉस हो जो तंग है वेट की वजह से। थैंक यू सो मच।